सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, मज़ा आया काफ़ी और अच्छा लगा मुझे। और हाँ गाना तो ठीक था, अच्छा लगा। डायरेक्शन भी अच्छा था और कॉमेडी भी अच्छी थी, सब अच्छा ही था। मैं 4 स्टार्स दूंगा पोस्टर पर। ठीक थी, ज़्यादा खास नहीं। श्रेयस तलपड़े, बॉबी देओल, सनी देओल, बॉबी देओल मज़ा आया, बॉबी देओल अच्छा, बॉबी देओल मज़ा आया। हाँ, और क्या कुछ पसंद है आपको इस फिल्म में? ओवरऑल क्या एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग सिर्फ बॉबी देओल और सनी पाजी की। गाना पसंद आया? एक ही तो गाना है जो स्टार्टिंग में बजता है। हाँ ठीक था। और ओवरऑल कितना स्टार देंगे? 2 स्टार। चलिए, ये कैसी लगी ये फिल्म आपको? इट वॉज गुड मूवी। या सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे बॉबी देओल की एक्टिंग लगी। इट वॉज अ गुड एक्टिंग। म्यूजिक वॉज नॉट सो गुड बट बाय द वे पिक्चर वॉज सो गुड। डायरेक्शन का अगर आपको डायरेक्शन आपको बांध के रखा, बोर किया, डायरेक्शन था फिल्म का? डायरेक्शन मतलब इतना बोर भी नहीं था, मतलब इट वॉज अ गुड पिक्चर बाय द वे, बट इतना ही। यस 3.5। गर्लफ्रेंड के पास आइए कि कैसी लगी आपको ये पिक्चर? क्या हुआ, कौन सी मूवी? पोस्टर बॉयज अच्छी थी पिक्चर। मेरे को उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पॉल्यूशन के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर था, कंट्रोलिंग के ऊपर, तो अच्छी थी, मेरे को ठीक ठाक लगी मूवी। सनी देओल, बॉबी देओल, श्रेयस तलपड़े, आपको सबसे ज़्यादा एक्टिंग किसकी दमदार? श्रेयस तलपड़े, क्योंकि उसका मैं बहुत जब स्टार्टिंग से उसकी मैं बहुत सारी मूवी देखने लग गया, तो मेरे को अच्छी लगती है उसकी मूवी श्रेयस तलपड़े। ये मेन मूवी ना मराठी वर्जन एक मूवी, उसका इसने डब मारा है हिंदी में। आपको कैसी लगी? आपको हाँ अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका अच्छा था कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, अच्छा था कॉन्सेप्ट। और कितने स्टार देंगे आप? मैं 4 स्टार दूंगा। सर आपने ये पोस्टर बॉयज कैसी लगी फिल्म आपको? अच्छी थी काफ़ी। आप एक रीमेक है मराठी फिल्म का, कितनी जस्टिफाई करती है रीमेक? रीमेक तो देखा नहीं, इट वॉज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी एंड श्रेयस तलपड़े इज अ डायरेक्टर, सो उसके लिए जस्ट वेंट फॉर इट। Okay, you know, Bobby Deol and Sunny Deol always come up with the proper timing of comedy. You know, what's your take on that? Is the comedy? उनका एक ही डायलॉग अच्छा लगा, धर्मेंद्र का तो बेटा ही है सनी, बस उतने पे that was the epic and other way around. हाँ गाने वाने अच्छे थे, टाइमिंग अच्छी थी। फिल्म कम फिल्म यू नो फिल्म आल्सो कैरी अ सोशल मैसेज, इट्स टॉक अबाउट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हाँ, बट आई वुड सजेस्ट दैट दैट वाज टेकन इन अदर वे अराउंड एंड देन इट वाज एक्सप्लेन्ड कि पॉपुलेशन हमारा प्रॉब्लम है, पर काफ़ी अच्छा था। क्या नसबंदी करानी चाहिए? करानी चाहिए 2 के बाद हम 2 हमारे 2। ओके 5 में कितने स्टार देंगे? 4.5। थैंक यू सो मच। पोस्टर बॉयज देखी मैंने अभी। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? सनी देओल, बॉबी देओल हैं फिल्म के लिए। इट्स रियली ऑसम मूवी सीइंग सनी देओल आफ्टर लॉन्ग टाइम, जो उनका जोश था पहले मूवीज में, जैसे ड्राई ग्रो वहाँ तो ऑन दिस थिंग, सो इट्स क्वाइट गुड वॉचिंग ऑल दिस मूवी। और बॉबी देओल ऑल्सो बहुत अच्छा लगा उसमें, क्योंकि बहुत दिनों उनका कमबैक हुआ है, सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। आई रिकमेंड कि पीपल सी दैट मूवी, इट्स अ काइंड ऑफ एक्शन भी है, कॉमेडी भी है। श्रेयस तलपड़े हाँ अच्छा दिया उन्होंने भी। श्रेयस तलपड़े ने डायरेक्ट किया पहली बार फिल्म, उस बारे में या ऑफकोर्स उन्होंने पहली बार डायरेक्ट किया फिल्म, तो इट्स अ गुड फिल्म, सो आई थिंक सब लोग देखें, बड़ा मजा आएगा। ओके उसके अलावा रीमेक है मराठी फिल्म की, उस बारे में क्या कहना है? रीमेक इट सेंस की पहले ऐसा होता है कि रीमेक कभी अच्छा बनता नहीं, कभी अच्छा बनता है, बट फ्रॉम अ हिंदी मराठी रीमेक टू हिंदी इज ऑल्सो गुड थिंग। मोस्टली होता है कि हिंदी मूवीज मराठी में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन फ्रॉम हियर आई हैव सीन मराठी मूवीज हिंदी में कर रहे हैं, सो इट्स अ क्वाइट गुड थिंग वॉचिंग दैट मूवी एंड इट्स अ गुड रीमेक। ओके ओके सोशल मैसेज भी है नसबंदी के बारे में, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिल्म जस्टिफाई एंड कैरीज अ मैसेज? या ऑफ कोर्स दैट्स अ सरप्राइज, मैं अभी बताऊंगा तो कैसे पता चलेगा। सो इट्स बेटर व्हाट द मूवी, इट्स अ क्वाइट नाइस मूवी टू वॉच। ओके कितने स्टार देंगे 4-5 में से? आई वुड गिव 4। थैंक यू सो मच। फिल्म मस्त था। कौन सी फिल्म देखी आपने? पोस्टर बॉयज। कैसी लगी फिल्म आपको? इट वाज अ गुड फिल्म। ओके यू नो व्हाट इज द कॉमेडी टाइमिंग ऑफ बॉबी एंड सनी? दे वर डेफिनेटली ऑसम। कैमरा लुक, इट वाज द बेस्ट थिंग फ्रॉम सनी देओल, आई एंजॉयड इट। ओके श्रेयस तलपड़े ने फिल्म को डायरेक्ट भी किया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? या इट वाज अ बेटर वन। और ये रीमेक है मराठी फिल्म का, उस बारे में क्या कहेंगे? फिर नसबंदी के बारे में बात करते हैं। या या इट्स फाइन बाय द वे, आई हैड सीन मराठी वन, इट्स फाइन देन द मराठी वन। ओके कितने स्टार देना चाहेंगे 5 में से?
I would go for 4.5. Thank you so much.